शब्द काम आए कि ना आए, लेकिन फिर आंखें बोलती हैं। और आंखों की भाषा क्या है? जब आंसू गिरते हैं। और अगर एक बार ये सन्मुख आ गए, एक बार आपने दर्शन कर लिया, एक बार प्रभु सन्मुख है, नित्र बोल उठे, तो फिर जीवन कुछ और है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, फिर कुछ और है। कहां तक दीवान की भक्त की भक्त सरयाम कहते हैं, प्रभु इस बात का गम नहीं है, इस बात का गम नहीं है कि क्यों तूने दिल बर्बाद किया। इस बात का गम नहीं है, इस बात का गम नहीं है क्यों तूने दिल बर्बाद किया। गम तो इस बात का कि बड़ी देर के बाद बर्बाद किया, कुछ पहले करते तो बात कुछ और हो जाती। ये उनका प्रेम रहस्य, उनके भीतर की अनुकंपा आप आत्मा से अनुभव कर पाएंगे। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। सिर्फ एहसास है। परीक्षित के अंतर में, चित्त में कृष्ण बसे हैं, अनुभूति श्री कृष्ण की है, प्रसाद श्री कृष्ण का है। और भक्त को प्रसाद मिलता है फिर बांटता है, ये लक्षण है भक्ति का। रातों रात भी जाती है को संत आ जाए कृष्ण चर्चा करते करते। धर्म का मर्मज्ञ है परीक्षित, धर्म से प्रशासन करने वाला। और एक दिन क्या हुआ, अब घटना जहां घटी उसको ध्यान दीजिएगा भागवत में जो लेख है। मैंने पहले कहा भागवत का हर सूत्र हमारे जीवन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। परीक्षित गया काल कोठरी में और पुरानी काल कोठरी का निरीक्षण करता है और एक संदूकड़ी है और संदूकड़ी को खोला परीक्षित ने पहली बार और क्या देखता है कि संदूकड़ी में सबसे ऊपर एक बड़ा सुंदर मुकुट है सोने का जिसमें हीरे जड़े हैं। बड़ा आकर्षित मुकुट है। और किसका है ये, इसमें देखकर बताइए जरासंध का। किसका है? जरासंध का मुकुट है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कथा कहती है सावधान, कोई ऐसी वस्तु जिसमें किसी एक व्यक्ति की आसक्ति है या व्यक्ति समूह की आसक्ति है या परिवार की आसक्ति है, ऐसी वस्तु को जबरदस्ती उठाकर अपने घर में लेकर आना आपके विनाश का कारण बन सकती है। अब यहां से कथा को बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग। परीक्षित धर्म का मर्मज्ञ जानता है, धर्म का जानकार है, जिसके रोम रोम में कृष्ण बसे हैं, जिसके मन में किसी के प्रति दुर्भावना ही नहीं है, कोई द्वेष ही नहीं, कोई मत्सरता ही नहीं है, सबसे प्रेम करने वाला, एक साधारण ग्रामीण साधारण जीव के अंदर भी कृष्ण की अनुभूति करने वाला परीक्षित आज काल कोठरी का निरीक्षण करते जब जरासंध का मुकुट देखता है तो आकर्षित हो जाता है। वैज्ञानिक तथ्य क्या कहता है, साइकोलॉजी क्या कहती है कि किसी ऐसी वस्तु जिसमें किसी की आसक्ति है उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। अब मान लो कोई दुर्जन व्यक्ति है, कोई दुराचारी है, दुराग्रही है, कपटी है, छली है, दिन रात शराब पीने वाला, चोरी डकैती करने वाला, किसी ऐसे व्यक्ति की प्रत्येक चीज पर उसकी प्रकृति का असर होता है, मन की वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है। दुराचारी के वस्त्रों में भी दुराचारिता होगी, प्रभाव होगा। वो जो चीज धारण करता है उसकी हर चीज पर इफेक्ट होगा, 100% है। साधु के वस्त्रों में साधुता होगी, साधु के वस्त्रों के अंदर वो जो धारण करता है, माला है, कुछ भी चीज धारण करेगा, उसको आप अपने घर में लेकर आते हैं, आपको बड़ी प्रसन्नता होती है, ये संत ने दिया, जो अपने हाथों से वो दे दे उस पर उसकी सात्विकता का प्रभाव है। और दुर्जन की चीजों पर दुर्जनता का प्रभाव होगा। अब जरासंध की प्रकृति कैसी है, वासना, कामनाएं, भोग विलासता, संसार के प्रति आकर्षण ज्यादा, राजाओं को बंदी बना दिया, खूब धन लूटा, खूब 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 संपत्ति लूटी, लेकिन फिर भी हवस भरी नहीं है। प्रकृति कैसी हुई, दुराचारी। और युद्ध का नियम होता था कि जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाए उस व्यक्ति के शव को, उसकी वस्तुओं को सम्मान सहित वापिस भेजा जाता था। लेकिन भीम और जरासंध का युद्ध हुआ, जरासंध वीरगति को प्राप्त हुआ, उसके शव को समान को भेजा गया, लेकिन भीमसेन ने जबरदस्ती जरासंध के मुकुट को रख लिया।
अब यहां से ध्यान दीजिए, जबरदस्ती रखा गया तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ होता है? सर की चीज पर होगा, क्योंकि प्रकृति कहाँ, यहाँ है, वाइब्रेशन यहाँ है, तो सबसे ज्यादा इसी चीज पर प्रभाव होगा जो सर के साथ जुड़ी हुई है। और मुकुट कहाँ होता है? सर पर होता है। तो जरासंध की दुष्ट प्रकृति का प्रभाव कहाँ है? उसके मुकुट में है, उसके मुकुट में प्रभाव है। और आज परीक्षित ने सबसे पहले जब मुकुट देखा मन आकर्षित हुआ और उस मुकुट को परीक्षित ने धारण किया। अब प्रभाव देखिए क्या है। कथा यही कहती है सावधान, ऐसा करना कई बार व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। जैसे आपने किसी से कुछ लेना ही है मान लो, और आप जबरदस्ती उसके घर गए, व्यक्ति के घर गए, जबरदस्ती कोई चीज उठाकर ले आए, कभी ऐसा मत करें, क्योंकि उस चीज का जो प्रभाव है वो आप पर पड़ेगा। परीक्षित ने मुकुट धारण किया, मुकुट धारण करते वो परीक्षित जिसके मन में केवल कृष्ण बसे हैं, संसार की प्रत्येक वस्तु में केवल भगवान की छवि दिखता है, उस परीक्षित के मन में पहली दुर्भावना प्रवेश कर गई मुकुट धारण करते ही। और वो क्या, चलो आज शिकार करने चलता हूं, शिकार की भावना परीक्षित के मन में पहली बार आई। अश्व पर सवार हुआ, धनुष बाण उठाया, तलवार उठाई, परीक्षित चला शिकार करने। और जैसे वन में प्रवेश किया तो क्या देखता है कि सामने एक कदम काला शाह व्यक्ति आया, बड़ा अजीब सा। और परीक्षित को देखने के बाद कुछ खलबली हो गई मन में, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा एहसास नहीं हो रहा उस व्यक्ति को देखने के बाद, बड़ी खलबली मची। परीक्षित कहते हैं कौन है तू, तुझे देखने के बाद मन ठीक नहीं है, मन में खलबली हो रही है, सच बोल तू कौन है? और जानते कौन है? कलयुग। आज 32 वर्ष हो चुके थे कलयुग को सृष्टि में आए हुए, लेकिन इन 32 वर्षों में कलयुग की हिम्मत नहीं थी परीक्षित के सम्मुख आने की। परीक्षित ने मुकुट धारण किया, प्रकृति बदली और कलयुग को मौका मिल गया। देखो कलिकाल को मौका ऐसे मिलता है, आपके अंदर दुर्भावना आएगी, कलिकाल को मौका मिलेगा, कलिकाल सामने आ गया। और परीक्षित ने सुना कलयुग है, तलवार खींच ली, बोले मरने को तैयार हो, जब मेरे होते कलयुग नहीं आएगा। और कलयुग ने हाथ जोड़ लिए परीक्षित के सामने, इस बात को स्वीकार किया कलयुग ने कि राजन आप में ताकत है मुझे मारने की, लेकिन मारिए नहीं, अगर मारना होता तो कृष्ण मार देते, ये सृष्टि का नियम है। सतयुग आया, त्रेता, द्वापर और कलिकाल भी आया है, समय का परिवर्तन आएगा, लेकिन आप मारिए नहीं, इस बात को कलयुग ने सहज स्वीकार किया है। आप में क्षमता है, आप मेरी सीमा बांध दीजिए। अब परीक्षित कलयुग की सीमा बांधेंगे, बोले तुझे चार स्थान देता हूं, वहीं पर रहना। चार स्थान कौन से? जहां शराब पी जाती हो, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां हिंसा होती हो और जहां पर स्त्री का तिरस्कार होता हो, वहां पर देवताओं की कृपा नहीं होगी, वहां पर कलयुग तू रह। ये चार स्थान कलयुग को दिए गए। आप ध्यान दीजिए, चार स्थान क्यों दिए गए कलयुग को, कौन कौन से? जहां शराब हो, जहां जुआ हो, जहां हिंसा हो, जहां नारी का अपमान होता हो, ये चार स्थान क्यों दिए गए? आप विश्लेषण कीजिए भागवत का, कि जिस वक्त की ये बात है, परीक्षित ने बड़ी चलाकी से कलयुग को ये चार स्थान दिए थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त परीक्षित के राज्य काल में भारत में कहीं पर भी कोई शराब नहीं पीता था। विश्लेषण कीजिएगा आप लोग, कहीं पर कोई जुआ नहीं खेलता था, कहीं पर हिंसा नहीं होती थी और कोई स्त्री का अपमान नहीं करता था, जिस वक्त की घटना है। इसलिए परीक्षित ने जानबूझकर दिए ये चार स्थान है नहीं और कलयुग रह नहीं पाएगा, कलयुग को जाना पड़ेगा। लेकिन कलयुग परीक्षित से ज्यादा चलाक था, कलयुग और चलाक था। कलयुग ने एक बात आगे रख दी, राजन आप महाराजा हैं, सम्राट है, शोभा नहीं देता, आप नीच स्थान मुझे दे रहे हैं, एक उच्च स्थान दीजिए, कोई ऊंचा स्थान दीजिए। तो परीक्षित ने कहा सुनो, फिर स्वर्ण में तेरा वास रहेगा, सोने में कलयुग तू रहेगा। ये जो सोना पहनते हो, पहन कर आयो कि नहीं आज? किस किसने पहना है सोना आज? इस सोने में कौन है? बोलो उच्ची बोलो, कलयुग। चलो सारा उतार कर रखो मेरे साथ, यहां ले आओ। इस देखो प्रथम स्कंद की लीला है। परीक्षित कह रहे हैं, अब पांचवा स्थान दिया है कि सोने में कलयुग तेरा वास है,
सोना केवल ये सोना नहीं, सोना मतलब धन जो भी आप अर्जित करते हैं इसमें तेरा वास है। प्रथम स्कंद में परीक्षित कहते हैं कलयुग को कि स्वर्ण में तेरा वास। और भागवत के एकादश स्कंद में जब श्री कृष्ण उद्धव जी को परम तत्व का ज्ञान देते हैं तो उद्धव से स्पष्ट कहते हैं उद्धव समस्त धातुओं में सोना मेरा रूप है। अब किसकी बात मानोगे आप बोलो, किसकी माननी, परीक्षित की कृष्ण की? पता था चला के आप लोग भी आप उसकी बात मानोगे जिससे आपका सोना जाना जाए ना, आपका धन आपके पास रहे उसकी बात मानोगे। पर थोड़ा गहराई से देखिए, दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर भगवान सत्य पर है तो भक्त भी सत्य पर है, लेकिन थोड़ा बारीकी से समझिएगा। परीक्षित क्या कहते हैं कि स्वर्ण में तेरा वास रहेगा, लेकिन कौन सा स्वर्ण? दो नंबर की कमाई में कलयुग तू रहे, जो बेईमानी से कमा कर लाया गया धन है उसमें कलयुग तेरा वास रहेगा। वो जो कृष्ण कहते हैं जो आप मेहनत से कमाएंगे, जो खून पसीने से कमाएंगे, दिन रात मेहनत करके कमाएंगे, ऐसी कमाई में कलयुग की औकात नहीं रहने की, ऐसी कमाई मेरे अर्पित होगी उसमें मेरा ही वास रहेगा। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब निर्णय आप पर है। अब कलयुग की चलाकी क्या थी? कलयुग ने क्या कहा, परीक्षित ने क्या कहा? सोने में तेरा वास। कौन सा सोना? दो नंबर की कमाई, बेईमानी के धन में कलयुग तू रहे। और कलयुग को मौका मिल गया, क्योंकि आज परीक्षित ने जो मुकुट पहना है वो दो नंबर का है, वो बेईमानी का है। और कलयुग को मौका मिला और कलयुग परीक्षित के मुकुट में सवार हो गया और काम बिगड़ गया। वो परीक्षित जो धर्म का जानकार है, भूखा प्यासा वन में भटक रहा है, प्यास लगी और एक संत का आश्रम देखा, शमिक ऋषि का। शमिक ऋषि साधना में लीन थे, बाहर की होश नहीं थी। परीक्षित गया, अब कलिकाल का तो प्रभाव था। देखो प्रभाव कहां से आया, एक व्यक्ति की आसक्ति से भरी हुई वस्तु को धारण करने से मौका मिला कलयुग को आने का। इसलिए मौका मत देना कलयुग को अपने पास आने का। लेकिन हम बचेंगे कैसे? अब दीनहीन व्यक्ति कैसे समझ पाएगा कलिकाल क्या? परीक्षित के परीक्षित नहीं टिक पाया, हमारी औकात क्या? एक ही साधन है, केवल एक साधन है, और वो क्या? हरि नाम संकीर्तन करते रहिए। इसलिए भक्तों ने चिन्ह भी दे दिए, अगर बचना है कलिकाल से, हाथ में कलावा बांधिए हमेशा, गले में तुलसी की कंठी धारण करो, तिलक धारण करो और मुख में श्री हरि का नाम हो तो बच पाएंगे, फिर प्रभाव नहीं होगा। अपने घर में तुलसी जी को सींचे, कलिकाल का प्रभाव नहीं हो पाएगा, दुष्टता नहीं आ पाएगी। आप सम धारण करें, कलावा सदा बांध कर रखें, कंठिका सदा बांध कर रखें, तिलक सदा धारण करके रखें, जो दुराचारी शक्तियां हैं आप पर प्रभाव नहीं कर पाएंगी। गौ माँ की सेवा करें, तुलसी का सेवन करें नित्य प्रति, अपने घर में हरिनाम संकीर्तन करें, जितना करेंगे इस प्रभाव से बचेंगे। परीक्षित आगे गया शमिक ऋषि के आश्रम में, शमिक ऋषि साधना कर रहे हैं, बाहर की खबर नहीं, लेकिन कलिकाल का प्रभाव था। परीक्षित ने आवाज दी, साधो प्यास लगी है, जल पिला दीजिए, लेकिन सुना नहीं, वो तो मस्त थे। लेकिन परीक्षित ने इस बात का अर्थ कुछ और निकाला, क्योंकि कलिकाल का प्रभाव है। बोले इनको चाहिए हम जैसे राजा आए तो उठकर हमारा सम्मान करें, और ये है कि आंखें बंद करके बैठा है। फिर आवाज दी, साधो प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दीजिए। नहीं सुनी शमिक ने आवाज, और परीक्षित की बुद्धि क्रोध आ गया। बोले ये कोई ढोंगी साधु है। देखो वो व्यक्ति जो हर 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 चीज में कृष्ण को देखा, इतना विनम्र है, भारत का राजा, लेकिन कलिकाल के प्रभाव से क्या कहते हैं, ये कोई ढोंगी साधु है, अडंबर कर रहा है, उठकर मेरी सेवा ना करनी पड़े इसलिए आंखें बंद करके बैठा है। तीसरी आवाज दी, साधो प्यास लगी, जल पिला दो। नहीं सुनी, क्रोध बढ़ गया। अगल बगल देखा तो मरा सांप था, सांप उठाया, शमिक ऋषि के गले में डाल दिया, चला गया। एक शिष्य देख रहा था, दौड़ा दौड़ा गया नदियां पर, शमिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहा था, सारी घटना बताई, कोई राजा आया था, तेरे पिता का अपमान कर दिया, अब जवानी का मद, अब जवानी में जोश ज्यादा होता है, होश नहीं होता, तो श्रृंगी ऋषि ने बिना सोचे समझे हाथ में जल लिया और श्राप दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता का तिरस्कार किया है, श्राप देता हूं सातवें दिन तक्षक के काटने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। और दौड़ा दौड़ा आया रोते रोते आश्रम में, शमिक ऋषि की समाधि खुल चुकी थी, सांप देखा मुस्कुराए एक तरफ रख दिया।
और पुत्र को देखा बड़ा व्यथित, बोले तुझे क्या हुआ? बोले अभी अभी के राजा आया था, आपका अपमान किया, आपके गले में मरा सर्प डाला। बोले तो क्या हुआ? आज तक राजाओं ने हमारे गले में पुष्पों के हार पहनाए हैं, कोई सांप का हार पहना गया, क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया करते। लेकिन नहीं, जवानी का मद। बोले आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, मैंने आपके अपमान का बदला ले लिया। अब घबराए शनि ऋषि, बोले कैसा बदला? बोले जिस राजा ने आपका तिरस्कार किया है, मैंने श्राप दे दिया उसे कि सातवें तक्षक आएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब घबराए शनि ऋषि, नेत्र बंद किए और देखा, अंतर्दृष्टि से समझ गए परीक्षित आया था। नेत्र भराए शनि ऋषि के, ए मूढ़ मति, आज तूने अपराध कर दिया। परीक्षित दंड का अधिकारी नहीं था, वो तो कलिकाल का प्रभाव था, वो खुद नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन तेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति ने उनको श्राप देकर विद्या का अपमान किया है। आज मुझे अपनी भूल का पश्चाताप हो रहा है कि तू जैसे अनधिकारी को अधिकार देकर मैंने शायद विद्या का अवज्ञा कर दी, अपमान कर दिया। अपने शिष्यों को भेजा, तू जा और परीक्षित को जाकर संदेश देना कि मेरे मूर्ख बेटे ने आपको श्राप दिया है, आपके पास केवल 7 दिन है, अपनी मुक्ति का साधन कर लीजिए। शिष्य गया, इधर परीक्षित पहुंचा राजभवन में, अपने कक्ष में जाते ही सबसे पहले परीक्षित ने क्या किया? अपना मुकुट उतारा, और जैसे मुकुट उतारा एकदम सारा दृश्य सम्मुख आ गया। बड़ा रोया परीक्षित, आज बहुत रोया, प्रभु मैंने अपने 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 पूर्वजों पर कलंक लगा दिया, साधु का अपमान कर दिया, आप मुझे दंड दीजिए। शिष्य पहुंचता है, जाकर सारी बात कह दी, गुरुदेव ने ऐसा ऐसा संदेश दिया है, 7 दिन तक्षक आएगा, आपके पास केवल 7 दिन है, आप कोई उपाय कर लें। इतनी बात सुनी, आप विचार कीजिए परीक्षित ने क्या किया होगा। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। सब कुछ परित्याग कर दिया परीक्षित ने और चला नंगे पग कहां पर? गंगा जी के घाट शुक्र ताल। किस लिए? केवल कृष्ण आश्रित होकर। और देखो, जब परीक्षित जैसा धर्मज्ञ व्यक्ति जाता है गंगा जी के घाट पर, हजारों संत आए हैं वहां परीक्षित का उद्धार करने के लिए। एक संत नहीं, हजारों संत आए हैं, ऐसे ऐसे संत जिन चतुर्युगी देखी है, लंबी लंबी जटा वाले, रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त करने वाले। कई संतों ने तो कह दिया, परीक्षित एक बार हुक्म कर, हम तक्षक के इस श्राप को, श्रृंगी के श्राप को काट देंगे। बोले नहीं, ये श्राप नहीं, वरदान है, ये तो अवसर है प्रभु तक पहुंचने का, प्रभु को पाने का। मेरे पास 7 दिन है, आप मुझे साधन बताइए, मैं प्रभु के करीब जा पाऊं, बस इतना साधन बता दीजिए। लेकिन उत्तर किसी के पास नहीं था। और फिर गंगा के घाट पर परीक्षित बैठते हैं, श्री कृष्ण का चिंतन किया, और जैसे कृष्ण चिंतन करते हैं उसी वक्त सुखदेव गोस्वामी पधारते हैं गंगा के घाट पर। बोली सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, ओ मेरो गिरधर गोविंद गोपाला, मेरो गिरधर गोविंद गोपाला, मेरो गिरधर गोविंद गोपाला, मेरो गिरधर गोविंद गोपाला, मेरो मोर मुकुट मुरली वाला, मेरो मोर मुकुट मुरली वाला, सब गाइए, मुरली वाला, मेरो
भगवान की। हजारों संतों की भीड़ और 16 वर्ष के शिशुकदेव जी महाराज नगन अवस्था चले आ रहे हैं। सुंदर नयन, हृदय विशाल, और भागवत कहती है, यम प्रवजंतम अनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरहे कातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरभुभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो। बोल वृंदावन बिहारी, बोल आनंद कंद भगवान। सुखदेव कैसे संत हैं, ध्यान दीजिए, विरक्त संत। 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे। देखो भगवान की लीला कैसी है, सुखदेव 12 वर्ष गर्भ में रहते, बाहर नहीं आ रहे। क्यों? भगवान आपकी माया प्रभाव डालती है, मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि आपकी माया ग्रस लेती है, जीव आपको भूल जाता है। और मारकंडे जी 17 वर्ष साधना करने के बाद भगवान को कहते हैं, आपकी माया देखनी है, वो दिखाओ। सब खेल है भगवान का, सब खेल रहे हैं। 12 वर्ष माँ के गर्भ में रहे, बाहर नहीं आते। बोले पहले वचन दो ठाकुर जी, बाहर आऊंगा, आपकी माया नहीं लगेगी। बोले वचन दिया, आप आइए संसार में, आइए आप जैसा संत आना चाहिए। वेद व्यास ने वचन दिया, बोले रोकूंगा नहीं आपको, जो आपकी इच्छा हो सो करूंगा। बोले ठीक है। और फिर जन्म हुआ सुखदेव गोस्वामी का। 12 वर्ष की अवस्था, सुंदर बदन, गौर बदन, सुंदर केश, सुंदर नयन, अलौकिक चितवन, गौर बदन, एकदम चौड़ी छाती, क्या शोभा। यम प्रभजंतम अनुपेत पेत कृत्यम, एकदम सुंदर शोभा। और जैसे देखा इस स्वरूप को, सुखदेव गोस्वामी के स्वरूप को देखा, तो वेद व्यास जी की आसक्ति बढ़ गई, पुत्र है आखिर, संतान की वो आसक्ति आ गई एकदम। और पीछे पीछे दौड़ पड़े, द्वैपायनो विरहे का